शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन है और महाअष्टमी आज मनाई जा रही है। और जिस तरह से पूजा पंडालों में लगातार जो है लोगों का आना है, श्रद्धालुओं का आना जाना लगा है, एक प्रतिमा जो बनी है वो अलग तरीके से अलग कारीगरी के तहत बनी है। आप देख सकते हैं यह प्रतिमा जो है सरसों होता है से बनाई गई है। इस प्रतिमा को सजाया गया है सरसों से, पीला और काला रंग का जो है सरसों है वो इस्तेमाल किया गया है। यानी जो श्रद्धालु हैं और जो आयोजन करता है और वो लोग माता रानी को जो तस्वीर बनता है उसको खूबसूरत रंग देने के लिए और जाने जाने और पहचानने के लिए काफ़ी सारी कलाकारी की गई है। यहाँ पे सोनू जी हैं, आयोजक हैं। सोनू जी, ये प्रतिमा ये सरसों की से बनाया गया है, कैसे बनाया गया और कितने दिनों में तैयार किया गया? जी, ये तो करीब 15 से 20 दिन तैयार करने में लग गया जी। तो मतलब क्या महत्व है इसे, सरसों का भी कोई महत्व है? सरसों का हम लोग पहले से प्लानिंग किए हुए थे कि उसके ऐसा बनाना और पूजा पे भी इसका महत्व बहुत सारा महत्व होता है, उसका यूज होता है, सरसों का यूज होता है, इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि सरसों का प्रतिमा बनाएंगे। कितना खर्च लगा है इस मूर्ति बनाने में? 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च पड़ गया जी। 10 से 12 हज़ार खर्च हुआ तो और भक्तगणों का क्या मतलब कि ये प्रतिमा तो देख रहे थे भक्तगण बहुत खुश हुए हैं, बहुत भीड़ लगी थी कल भी और मुझे उम्मीद है कि अगले 2 दिन ही बहुत भीड़ लगने की आशा है। तो आगे भी कुछ किस प्रकार की जो है इस दुर्गा पूजा में लोगों के द्वारा और आयोजकों के द्वारा किस तरह का अंतिम रूप प्रतिमा को दिया गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी हम यहाँ पे जो है दिनकर गोलंबर पे हैं। दिनकर गोलंबर पे आप एक अमरूदी गली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधे माता की जो है प्रतिमा जो बनाई गई है वो पूरे मास्क से लेकर बनाई गई है। एक तरफ से यह जो प्रतिमा जो है संदेश भी दे रही है कि हाल के दिनों में जिस तरह से कोरोना ने काफ़ी कहर बरपाया और काफ़ी सारी क्षति हुई तो उसी को लेकर के अभी भी जागरूकता के तहत यहाँ पे माता का प्रतिमा में जो है मास्क इस्तेमाल किया गया, विभिन्न कलर का जो है मास्क इस्तेमाल किया गया है। तो एक तरफ से कहा जाए कि पटना में है जो दशहरा की धूम है और सभी लोग हर्षोल्लास के साथ पटना मना दुर्गा पूजा मना रहे हैं। समाचार प्लस भी आपको दुर्गा पूजा सावधानी के साथ मनाएं। समाचार प्लस के लिए पटना से मणिभूषण। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।